बहुत बखत भला पाइया धनिए दियो तुझे आप मेहर करी महबूबे करके संग मिलाप करके संग मिलाप आँखा खोल के ढापिए। यह प्रकाशवाणी इस सत्य का प्रकाश करती है कि जो हमारा अनादिकाल से प्राणेश्वर है, प्राण प्रीतम है, कहाँ है। आप देखेंगे प्रकाश की पहली चौपाई इस बात से शुरू होती है, रास खेल के आए घर उम्मीद न हुई पूरन धाक मन में रही तब से श्यामा जी को धनी है हुक्म के ऐसो क्यों सही। सारा संसार ये नहीं जानता कि रास के परे भी कुछ है। दुनिया तो ये कहती है कि वृंदावनम पर त्यज्य पदम एकम न गच्छति। हम सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं भ्रांति के शिकार हैं, इसलिए रास की वाणी में कह दिया आपण जे नथी ओलख्या जुओ बिचारे मन। हमने अब तक अक्षर अतीत को नहीं पहचाना। अनंत काल से परमधाम में लीला चल रही है, राज्य सबके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी पूरी पहचान नहीं है। ये खेल क्यों हुआ? अपनी पहचान देने के लिए, मार्फत की पहचान देने के लिए। ये समझना है कि हम राज्य की अर्धांगनी है ये पहचान नहीं है। ये तो सबको मालूम था, यदि पूरी पहचान थी तो रब्द होता ही नहीं। सबका क्या कहना था कि राजी हम आपको रिझाती हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। यदि लहरें कहने लगे कि सागर सारी लीला तो हमसे होती है, तू क्या है? आप बताइए लहरों में ज्यादा जल है या सागर में जल है? सागर बताना चाह रहा है कि तुम मेरे से अलग की कल्पना क्यों करती हो, जो मैं हूं वो तुम हो, लेकिन लहरें जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं हम अलग हैं आप अलग हैं, आप सागर हो हम लहरें। हम भी भजन बनाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवा पूजा में भी चौपाई आती है, जल तरंग जिम्मेवारी, सागर की लहरों का दृष्टांत दिया गया। मैं भी चर्चा में बोलता हूं लेकिन सच ये नहीं है। सूर्य से उसकी किरणों का दृष्टांत दिया जाता है लेकिन यह भी सच नहीं है। सच क्या है? हर किरण के अंदर सूर्य छिपा है। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी तो मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत से समझाता हूं। आप अभी शरद ऋतु आने वाली है, कुछ समय के बाद जब आप प्रातः काल टहलने जाएंगे तो घास के ऊपर उसकी बूंदें गिरी पड़ेगी। आप गौर से देखिए हर ओस की बूंद में सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप बाल्टी में पानी डालकर सर्फ डालते हैं, झाग बनता है। हर झाग में देखिए पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज हर झाग के बुलबुले में दिखाई पड़ेगा। एक एक किरण ने सूर्य को धारण कर रखा है। सूर्य से किरणें निकलती है तो एक एक किरण में सामर्थ्य है कि उस सूर्य को अपने अंदर छिपाए हुए है। तभी तो हर परमात्मा के तन में राज्य प्रकट है। किरणों को मालूम नहीं है कि तू और सूर्य दो नहीं है, तू किरण लीला रूप में है। जिस सूर्य से तू प्रकट हुई है वह सूर्य तुम्हारे अंदर है, यही तो वहदत है और यही बताना है। आपसे कोई कहे कि सूर्य और किरण में कोई समानता नहीं है, किरण तो एक अंश का अंश, अरबवा खरबा क्या कुछ भी नहीं कह सकते। एक दीपक से असंख्य किरणें निकलती हैं, सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, लेकिन हर किरण यह दावा कर सकती है कि मेरे अंदर सूर्य बैठा हुआ है। मैंने आपको पानी के बुलबुले में या उसकी बूंदों में सूर्य के अस्तित्व को बखान करके समझाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा और दृष्टांत देता हूं, श्रृंगार की टीका में थोड़ा सा संकेत किया गया है।
आम की गुठली कितनी छोटी होती है, आम की गुठली तो छोड़िए, बड़ा दृष्टांत हो गया। बल बड़ जिसको बरगद कहते हैं और पीपल का वृक्ष तो आपने देखा होगा, उसका बीज कितना छोटा होता है। हर बीज अपने अंदर वृक्ष को समाये बैठा है। बीज किसको पैदा करता है? वृक्ष पैदा करता है बीज को, और बीज पैदा करता है उस वृक्ष को। एक बीज के अंदर असंख्य वृक्ष छिपे हुए हैं, इस रहस्य को कौन जानता है? अक्षरातीत का हृदय ही तो मार्फत का सागर है, जिसकी पहचान लीला में डूब जाने के कारण कोई कर ही नहीं सकता था। ब्रज में पहचान नहीं थी, रास में नहीं थी, जागने के ब्रह्मांड में पहचान देने के लिए प्रकाश की वाणी कही है, बैठा अपर मै माहे कहे प्रसाद माहे कोई बिरलो रहे। अभी कितने साल हो गए, 1715 में वाणी का अवतरण शुरू होता है, आज कितना समय हो गया, लगभग 350 वर्ष से ज्यादा हो गए। क्या हमने प्राणनाथ जी की पहचान की है? नहीं, हम तो प्राणनाथ जी को संत कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, आचार्य कहते हैं। क्या यही प्राणनाथ जी की पहचान है? हम कहते हैं कि वो देव पहले देवचंद जी, पहले आचार्य, दूसरे आचार्य श्री प्राणनाथ जी। वाणी बीतक में कहां लिखा है कि निजानंद आचार्य देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करिए है संप्रदाय। देवचंद जी के अंदर कौन है? निजानंद, अक्षरातीत के आनंद स्वरूप। आचार्य शब्द वहां नहीं है लिखा है। रेहु नहीं सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अप्रस आचार्य। न मैं संत हूं, न भक्त हूं, न वैष्णव हूं, न आचार्य हूं, लेकिन ये सारी उपाधियां हमने दी है। उपाधि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? प्राणनाथ जी को हम संत की उपाधि देते हैं, बड़े तो हम हैं, आचार्य की उपाधि देते हैं। और कुछ करते हैं तो कहते हैं कि आप भी आचार्य मैं भी आचार्य, हम दोनों बराबर हो गए। सागर को उपमा देने चला एक छोटा सा नाला, सागर तो सागर है। हमारा जो भी अस्तित्व है किससे है? आशिक इन चरण की आशिक के रोज चरण, ये जुदा की क्यों कैसे मासुक बिना अपने तन। आशिक की रूह चरण, धनी के चरण कमल ही तो ब्रह्मसृष्टियों के जीवन के आधार हैं, और उस प्राणेश्वर को न पहचानने पर हम उसको संसार की छोटी छोटी उपाधियां देते हैं। आज देखिए देश में कई मिथ्या पंथ चल गए हैं, कबीर जी के नाम से कल या परसों एक ग्रंथ का विमोचन किया जाएगा, कबीर पंथ पर लिखा गया है। कबीर पंथ में कई उपपंथ हैं, और जानते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो आज जेल में बंद हैं, फिर भी उनके अनुयायी मानते हैं कि ये साक्षात कबीर जी के अवतार हैं, और कबीर जी साक्षात कौन है? परमात्मा के स्वरूप है। अभी आपने टीवी में समाचारों में सुना होगा ना, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो मरने को तैयार है। आप एक शब्द मोहम्मद के खिलाफ बोलिए, फिर देखिए क्या परिणाम होता है। चाहे वो कुछ भी करें, मांस खाएं, पाप करें, लेकिन मोहम्मद को अपशब्द तो नहीं कहते, छोटा तो नहीं बनाते, बड़ा बना देंगे, छोटा नहीं बना देंगे। और आप तो परमधाम की ब्रह्मात्मा है, आप कहेंगे कि हमारी चरण धूलि के लिए ब्रह्मांड तरसता है। आपकी चरण धूलि के लिए ब्रह्मांड तरसता है, तो आप जिस किसी के तो अंग हो गए, और वो अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होकर लीला करता है, उसको आप संत कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, गौरव के साथ कहते हैं कि एक आचार्य हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी गरिमा को बढ़ाइए नहीं तो घटाने का तो दुशासन कीजिए। लेकिन एक परंपरा चल गई, एक फैशन चल गया। जैसे क्या होता है, जो थोड़े से अंग्रेजी पढ़ लेते हैं उनका फैशन क्या होता है, मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसा कहकर क्या दर्शाना चाहते हैं कि हिंदी पिछड़ों की भाषा है और हम अंग्रेजी, हम कौन है? अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम। इसका बहुत अच्छा अर्थ होगा मैं जो मैं मंच पर नहीं कहूंगा। आप किसी सभा में चले जाइए,
आप अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर लीजिए, भले ही आप हाई स्कूल फेल हैं तो क्या, आपको बहुत पढ़ा लिखा समझा जाएगा। आप संस्कृत से पीएचडी कर लीजिए, डीलिट कर लीजिए, हिंदी से कर लीजिए, दर्शन शास्त्र से कर लीजिए, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं तो इस देश की जनता क्या कहेगी, अनपढ़ कहीं का आदमी है। और जानते हैं अंग्रेजी का व्याकरण कितना दरिद्र है, चंद्रमा के लिए एक शब्द से काम चलाइए, पृथ्वी के लिए एक शब्द से काम चलाइए। जानते हैं निघंटु में जो वेद का शब्द कोश है, एक पृथ्वी शब्द के 101 परिवाची शब्द है। अंग्रेजी के शब्दकोश में तो कुछ लाख शब्द होंगे, संस्कृत में असीम शब्द है। अष्टाध्यायी का व्याकरण कहता है कि जिस शब्द की रचना करनी हो गुण के आधार पर व्याकरण के विद्वान नए शब्द की रचना कर सकता है और उसका अर्थ भी स्वयं निकालेगा, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा था, जिसके सत अंक के निर्देश मात्र से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। जब इस जागरी लीला में आया है, पहले देवचंद जी के तन में लीला किया है तो कोई पहचान नहीं पाया, ब्रज में आया किसी ने पहचाना, रास में पहचान दे दी, घर की पहचान नहीं दी, जागनी के ब्रह्मांड में। अब देखिए हफ्से में रास की वाणी उतरती है, प्रकाश की वाणी उतरती है, खटुती की वाणी उतरती है, कलश की दो चौपाइयाँ उतरती हैं और पूरत पूरी होती है सूरत में जाकर। रास से क्यामत तमा तक की वाणी प्राणनाथ जी की पहचान दे रही है, प्रकाश के अधिकतर प्रकरणों में केवल प्राणनाथ जी की पहचान है। लई तारतम अजवालु सार वली श्री जी आव्या आवार, श्री जी पुनः आ गए, यह शब्द मैंने तो नहीं लिखा, लेकिन आज तो ऐसी विडंबना है कि आप कोई ग्रंथ कितना भी अच्छा हो उस पर श्री जी लिख दीजिए और उसको भेंट में दीजिए तो अधिकतर सुंदर साथ लेंगे नहीं। पूछा जाए कि श्री जी किसी रावण का नाम है क्या कि आप लेना नहीं चाहते। आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्री जी शब्द से घृणा। लई तारतम अजवालु सार, तारतम जान का उजाला लेकर, वली फिर से, श्री जी आव्या आवार, श्री जी कौन, जो देवचंद जी के अंदर बैठे हैं, जो राज्य बैठे हैं उनको श्री जी कहा गया है। श्री जी कौन, जो महामती जी के धाम हृदय में राज्य बैठे हैं उनको श्री जी कहा गया है। हम किससे घृणा कर रहे हैं, इसके लिए एक बाणी आई प्रकाश की, इस सत्य का प्रकाश हो जाए, अज्ञानता का अंधकार हट जाए कि राज्य कहाँ है। क्योंकि देवचंद जी के अंतर्धान के पश्चात सबने सोचा कि हमारे धाम धनी तो परमधाम चले गए। आज भी कहा जाता है, आज भी इस विचारधारा को मानने वाले सुंदर साथ हैं कि राज्य तो उसी समय चले गए थे, श्री जी के अंतर्धान होते ही सब परमधाम चले गए थे। तो छत्रसाल जी को क्यों छोड़ गए थे, छत्रसाल जी ब्रह्मशिष्ट नहीं थे, श्यामा जी के स्वामित्व के 40 तो पूरे ही नहीं हुए थे, जागनी लीला के 120 पूरे ही नहीं हुए थे। और ये बात छोटे छोटे लोग नहीं कहते हैं, जो समाज के सबसे शीर्ष विद्वान कहलाते हैं वो कहते हैं कि प्राणनाथ जी के साथ ब्रह्म सृष्टियां चली गई। तो प्रश्न ये है, केशवदास जी कौन है, लालदास जी कौन है, मुकुंददास जी कौन है, श्री जी कुछ सुंदर साथ को छोड़ गए और कुछ को अपने साथ लेते गए। ये तो हमारे समाज की मानसिकता है। सुंदर साथ 5,000 की जमात में है, सब घर द्वार छोड़ चुके हैं लेकिन कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। किसी किसी पर कृपा होती है तो पहचान कर पाता है। अब ये प्रकरण आता है, ये जो प्रकरण का विषय है, कई प्रकरण है कातनी के दृष्टांत से, और इस प्रकरण में भी वही प्रसंग चल रहा है। सूत कातने का, सूत कातने का तात्पर्य क्या है, प्रेम का सूत। सूत से दृष्टांत क्यों दिया गया, आप जितने सुंदर साथ हैं आपके ऊपर एक आवरण है लज्जा का, लज्जा हट जाए तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। किसी कुंवारी कन्या को नग्न कर दीजिए किसी के सामने तो मर जाना सहन
पसंद करेगी लेकिन नंगा होना पसंद नहीं करेगी। आप जानते हैं पहले कॉलेजों में रैगिंग हुआ करती थी, कुछ उपद्रवी लड़के थे, सगे भाई बहन को कमरे में ले जाकर उन्होंने नंगा कर दिया। परिणाम ये हुआ कि भाई बहन दोनों ने नग्न अवस्था में एक दूसरे को देखा और इतने दुखी हुए कि दोनों ने आत्महत्या कर ली ट्रेन के नीचे जाकर। वो तो भाई बहन थे लेकिन नग्न होना देखकर सहन नहीं। तो हमारी नग्नता, हमारी लज्जा किसमें है कि हम प्राणा जी की पहचान करें। यदि हम पहचान नहीं कर पाते हैं तो यही कहा जाएगा कि हमारी गरिमा कुछ नहीं है। और ये सूत काटने से, हम यदि शेर भर सूत काट लेते हैं तो हमारी गरिमा अच्छी है, सवा शेर सूत काट लेते हैं तो हमारी गरिमा सर्वोपरि मानी जाएगी। हम राज्जी से आंखें मिलाकर कह सकते हैं कि राज्जी आपने जो वाणी से अपनी पहचान दी उस वाणी का अवलंबन करके हमने अपने प्रेम के बल पर आपको रिझाया। आप आजकल तो मशीनों में सूत काटा जाता है, पहले तकला हुआ कर, तकला तकली, चरखा भी उसका बड़ा रूप है। मुझे याद है जब बचपन में हम छोटे थे उस समय तकली से सूत काट कर खेला करते थे। आजकल वो शायद तकली नहीं होती होगी, पहले चित्र में भी आता था, अब तो जमाना ही नहीं रहा। एक गोल, एक डंडा सा होता था लोहे का, उसमें नीचे गोल सा होता है और रुई को पुने लेकर काटा जाता है। तो उसका तकला क्या है? ईमान का तकला है, श्रद्धा की रुई है। उसका जो अद्वान होता है नीचे वाला, समर्पण का अद्वान है। तो उससे क्या होगा? प्रेम का सूत काटा जाएगा। लेकिन यहां सूत काटेगा कौन? कई तकला भाने ताओ में फोकट फेरा खाए, ये सुंदर सात की विशेषता है। कई तकला भाने ताओ में कोई गुस्सा करके दूसरे का तकला तोड़ देते हैं और व्यर्थ में घूमते रहते हैं। वो कोई ब्रह्मशिष्य ऐसी करती है, वो कौन सुंदर सात है? जो चाहते हैं कि ना कोई वाणी पढ़े ना कोई चितवनी करे, बातें करते रहेंगे कि ना मैं चितवनी करूं ना दूसरे को करने दूं, ना मैं वाणी पढ़ूं ना दूसरे को वाणी पढ़ने दूं। इसको कहते हैं फोकट फेरा खाए। फोकट शब्द गुजरात में बहुत चलता है। वो व्यर्थ में घूमती रहेगी। और एक ब्रह्म सृष्टि ऐसी भी होगी जो लर लर कतावे, दूसरों को भी झगड़ा करके खींच खींच कर कहेगी कि तुम्हें वाणी पढ़नी है, तुम्हें चितवनी करनी है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। एक न चितवनी करेगी न दूसरों को करने देगी, एक न वाणी पढ़ेगी न दूसरों को पढ़ने देगी, एक ऐसी होगी जो खुद काटेगी और सबको कहेगी कि राजी ने शेर भर सूत काटने के लिए कहा है तो तुझे सवा शेर सूत काटना है। और ये सबसे बड़ा सुनहला अवसर है इस जागने के ब्रह्मांड में कि हमको पहचान दे दी गई है। यह पहचान राजी ने कभी ब्रज में नहीं दिया था, परमधाम में भी नहीं दिया था। परमधाम में ये नहीं कहा था कि जो मेरा दिल है वह तुम्हारा दिल है, ये जरूर कहा था तुम रुए मेरे अंग हो, तुम रुए मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाऊं बका मैंने जो सहूर करो समिल। बताया तो था लेकिन जब स्वयं के अस्तित्व का आभास होता है प्रेम क्या कहता है? देखिए पहचान कब होती है? कोई कहेगा प्रेम होता है तो पहचान होती है। तो क्या परमधाम में प्रेम नहीं था? परमधाम में तो प्रेम के सागर में हम डूबे ही थे, फिर भी मार्फत की पहचान क्यों नहीं हुई? कोई कहेगा इल्म होगा तो पहचान होगी। आपके पास, सबके पास इल्म है, हजारों चौपाइयां आपको याद हो गए, सैकड़ों पाठ आप कर चुके हैं, फिर भी प्राणा जी को संत क्यों कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है। इल्म भी मिल जाए, इश्क भी मिल जाए, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा पहचान नहीं हो सकती है। जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नए नजर जी। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे लेन्द्रावती कंठ लगाए जी। श्री जी के साथ
सैकड़ों सुंदर साथ, 500 की संख्या तो सूरज से ही चल देती है। दिल्ली में जाते हैं, सबके मन में संशय है। जैसा हाथ पैर लालदास जी का है, भीम भाई का है, मुकुंददास जी का है, वैसा ही श्री जी का भी है। लेकिन अनुपसार जाते समय जब लालदास जी और गोवर्धन में विवाद खड़ा होता है, जबराइल जोश चढ़ियो नूर, तब ऐसा लगता है जी किसरी जी के मुखारविंद पर बिजली चमक रही हो, तब सनत की वाणी का उत्तरण होता है। यह बताने के लिए ना देखो वजूद को, देखो धनी का तेज, धनी धाम के साथ सो कैसा करत है। कायमुल्ला को बुलाकर तब सिरे हुसैनी को सुना जाता है। सुंदर सात के मन में दुविधा है। आमतौर पर जानते हैं शक्तिमान किसको कहा जाता है, जो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, और हिंदू समाज इन्हीं चमत्कारों पर पागल हुआ जाता है। हिंदू समाज को यह नहीं लेना देना है कि अक्षरातीत कौन है। पूरे देश में साईं बाबा के मंदिर बन गए। साईं बाबा का इतिहास किसी को नहीं मालूम है, साईं बाबा के माता पिता का भी नहीं मालूम है। वो मेरा विषय कहने का नहीं है, लेकिन कुछ चमत्कारों की पिक्चर सीरियल दिखा दिया गया, अंधे होकर के मनुष्य हिंदू जात पड़ी हुई है कि अक्षरातीत होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं लेने देना, हमें तो साईं बाबा से मतलब है। तो आप सोचिए, श्री जी के साथ सुंदर साथ है, इन नैनों से श्री जी के व्यक्तित्व के अंदर जो छिपा हुआ स्वरूप है कौन पहचान सकता है। 5000 की जमात पन्ना जी में भी आती है, साथ साथ रहते हैं, सभी नहीं पहचान पाते हैं। कईयो जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने माए, कहा कहो मैं तिनको हाय हाय, इनमें निर्फल जाए। मुकुंददास जी बहुत बड़े विद्वान थे, उदयपुर तक उनको पहचान नहीं थी। पन्ना जी में आते हैं, जब प्रत्यक्ष लीला देखते हैं तब समझ में आता है कि ये तो प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आये करो दीदार। ये कौन है? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में पूर्ण ब्रह्म प्रकटा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस चौपाई को तो बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ते हैं, लेकिन जहां ये चौपाई आएगी प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार, तो वहां प्राणनाथ जी का प्रसंग हटा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि श्री कृष्ण परमात्मा या सतगुरु स्वामी। देवचंद जी के तन से तो लीला हो चुकी है, वाणी में कौन कह रहा है कि प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार। अभी आपने किरंतर सुना, सुनियो दुनिया आखिरी भाग पड़े है तुम। एक बार नहीं, न जाने कितने सौ बार, सैकड़ों बार राजी अपनी वाणी से अपनी पहचान करवा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा अमिट गुनाह लग रहा है। हम जानते हैं कि प्राण तक सरातीत हैं, लेकिन अपनी गरिमा को दर्शाने के लिए हम उनको छोटा बनाने पर तुले हुए, और अपने अनुयायियों को कहते हैं कि प्राणनाथ जी को संत शिरोमणि मानो, भक्तों में मानो, कि श्री कृष्ण परमात्मा देवचंद जी को दर्शन देते हैं जामनगर में, श्याम जी के मंदिर में, और देवचंद जी के अनन्य शिष्य हैं श्री महामती प्राणनाथ जी, जो भक्तों में शिरोमणि हैं चंद्रमा के समान। ऐसी भाषा हम बनाते हैं, हम श्लोकों की रचना करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम संस्कृत जानते हैं, और श्री कृष्ण परमात्मा तो शास्त्र सम्मत है, वही परमात्मा है, प्राणनाथ जी संत है। व्याकरण के उदाहरण दे देकर के हम सिद्ध करते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही होता है। कृष्ण में उसी अक्षरातीत ने लीला की थी, उसी अक्षरातीत ने देवचंद जी के अंदर लीला की थी, उसी अक्षरातीत ने महामती जी के अंदर लीला की। ब्रज में जो आया वही रास में था, जो रास में आया वही देवचंद जी के अंदर आया, और जो देवचंद जी के अंदर आया वही हमारी आत्मा का प्रीतम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है, तो प्राणनाथ के रूप में उजागर होता है।
अब इस जागने के ब्रह्मांड में हमें क्या करना है, ये सुनहला अवसर मिल रहा है क्या करने के लिए। अपने प्रातःकाल की चर्चा में भी सुना था जिसमें क्या कहा गया है, चर्चा सुन जो दिन ने रात अपन ने तुठा प्राण, हमें उस प्राण प्रीतम पर फिदा होना है जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। जिन चुके ती बेरा, यह सुनहला अवसर है अपने आराध्य को पहचानने का, सवा सिर सुत काटने का। जिन चुके इन बेर, इस समय हम चुक गए तो पछतावा बहुत बड़ा रहेगा। क्यों? ये खेल बना है राज्य की अपनी पहचान कराने के करने के लिए। यदि इस जागनी ब्रह्मांड में अपने अपने सर्वस्व को पहचान लिया, राज्य की पहचान क्या है? यदि मैं कहूं कि राज्य की पहचान को एक अक्षर में लिखिए तो आप क्या कर सकते हैं? राज्य की गरिमा को, राज्य की पहचान को करोड़ों ग्रंथों में भी लिखा नहीं जा सकता और एक अक्षर में भी लिखा जा सकता है। आप जानते हैं एक तू शब्द में सारी पहचान आ जाती है। हम राज्य को तू नहीं कर सकते, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बुद्धि का आवरण चढ़ा हुआ है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा शब्द है जो याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के लिए प्रयोग किया था। उस समय प्रसन्न होकर किया था जब मैत्रेयी ने पूछा था कि पतिदेव आप हमको छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कितनी उपाधियों से अक्षरातीत को अलंकृत कर दीजिए, जो शब्दों से परे हैं, शब्दातीत की महिमा को आप शब्दों में कैसे वर्णन कर सकते हैं, शब्दातीत की इन जुबा कहनी जुबा इन हत भी तक में मंगलाचरण में छुपाई आती है कि अक्षरातीत तो शब्दातीत है, प्राणनाथ शब्दातीत है, उसकी महिमा को नहीं कर सकते, कहना है तो आप देखिए शिव संकाद आदि के इच्छित जो है स्वयं चल करके आता है। शिव संकादिक ने समाधि लगाई, युगो युगो तक लगाई। महेश्वर तंत्र में क्या लिखा है, भगवान शिव कहते हैं कि उमा मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई और उस समाधि में मैंने सदाशिव से ईश्वर से जान सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना, मैंने अक्षरातीत से साक्षात नहीं सुना है, वो तुमको मैं सुना रहा हूं। जिनको वो नहीं पाया, जिस अक्षरातीत को शिव संकादिक नहीं पाए, वो अक्षरातीत वन वन में चलता हुआ, नंगे पैर चलता हुआ, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेल रहा है, माया के तन में आकर उसने मर्यादा की दुनिया बनाई है, तो मर्यादाओं का उल्लंघन स्वयं नहीं कर रहा है। अभी मैं प्रसंग पर उस आता हूं, जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि चमत्कार दिखा दीजिए तो दुनिया क्या कहेगी, कितने शक्तिमान है। आप आकाश में उड़ने लगे, ये विषयांतर मैं ज्यादा नहीं होऊंगा, मैं संकेत दे रहा हूं। आप किसी मरे हुए को जिंदा कर दीजिए, नदी पर चलने लगिए, एक साथ कई रूप धारण कर दीजिए, दुनिया पीछे पड़ जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं इसका अनर्थ कितना होगा, सारी सृष्टि की मर्यादाएं टूट जाएंगी। अक्षरातीत आए हैं परमधाम की वाणी लेकर, उनको सारा लक्ष्य ध्यान यही है कि सबको मूल मिलावे से जोड़ दे। यदि उस तन से चमत्कार प्रदर्शित होने लगे तो परिणाम क्या होगा, आने वाला सुंदर साथ भटक जाएगा, क्योंकि ये संसार बाहर के आकर्षण पर भागता है। तभी कहा है मार प्रतिष्ठा पै जारो जो दगा देत बिच ध्यान। और अंत में सुंदर साथ को अपनी पहचान देने के लिए उन्होंने कहा कि सुंदर साथ मेरी वाणी से मेरी पहचान करो, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहेब कर पूछिया, जिसने वाणी को समझा उसने अक्षरातीत को समझा, और जिसने प्राणनाथ की पहचान की उसके लिए शेर भर क्या सवा शेर सूत काटने का संकल्प होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा सूत काटने क्या है, प्रेम का सूत काटना। प्रेम का सूत कैसे काटा जाएगा, जब ज्ञान का तकला हो। ज्ञान के तकले में दो चीजें होती हैं,
एक तो डंडा होता है और नीचे गोला होता है जो सूत को थामे रखता है। ज्ञान और ईमान का मिलकर वो तकला बनता है, श्रद्धा की रुई होती है। तो आप सोचिए, जहां ज्ञान होगा, ईमान होगा, श्रद्धा समर्पण को पैदा करती है। श्रद्धा का परिपक्व रूप है समर्पण, समर्पण का परिपक्व रूप है क्या है, समाधि सिद्धि, ईश्वर परिधाना। हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे तो प्रेम के निर्मल सरोवर में हम प्रवेश करते हैं। जब तक आपका अस्तित्व है, एक छोटा सा बीज है, सरसों का बीज भी है, चने का बीज है, धरती के ऊपर पड़ा रहेगा तो धूप की गर्मी से सूख जाएगा। जिस दिन वह मिट्टी में मिल जाता है तो अंकुर फूटता है, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, नया अंकुर निकलता है और उस एक बीज से दर्जनों बीज पैदा होते हैं। लेकिन जो अकड़ करके धरती पर पड़ा रहता है वो सूख जाया करता है। संसार के प्राणी मोह अहंकार से पैदा हुए हैं, वे अपने तन का अहंकार रखते हैं, पद का अहंकार रखते हैं, प्रतिष्ठा का अहंकार रखते हैं, धन का अहंकार रखते हैं। परिणाम क्या होता है, काल के गाल में समा जाते हैं। और जो सभी अहंकारों से परे हो जाता है वो मृत्यु को जीत लेता है। परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, प्रेम से। प्रेम कहां से आएगा, अहंकार के समापन से। अहंकार का समापन कैसे होगा, समर्पण से। समर्पण कैसे आएगा, विश्वास से। विश्वास कैसे आएगा, वाणी के ज्ञान से। यदि वाणी का ज्ञान ही नहीं फैलेगा तो ये चीजें प्राप्त नहीं होगी। तो ये जो कातनी का दृष्टांत है ये बताता है कि वास्तविक पहचान कब होगी है। पहचान करनी मतलब जो हक की गैब खिलवत, ये याद रखिए। आपने कितना भी ज्ञानार्जन कर लिया, सब कुछ कर लिया, सेवा भी कर ली, ध्यान भी करते हैं, राज्य की पहचान नहीं हुई तो कुछ नहीं किया। पहचान का मतलब नहीं सुनी सुनाई बात कि हम तो राज्य को पहचानते हैं। मैं कहता हूं कुछ नहीं पहचानते हैं आप। कोई भी अपनी बुद्धि से राज्य की पहचान कर ही नहीं सकता। वो जिसको अपनी पहचान देना चाहता है वही उसको पहचान देता है। श्यामा जी को तो अपनी पहचान दिया नहीं, वो ऐसा छलिया है। अनंत काल से रहते हुए परम धाम में कोई आत्मा पहचान कर नहीं सकी। जिनके साथ रात दिन रहते हैं, छत्रसाल जी पर मेहर हुई तो पहचान कर लिया, लालदास जी पर मेहर हुई पहचान कर लिया, मुकुंददास जी ने पूरा कितना बड़ा ग्रंथ लिखा है, नवरंगवाड़ी 18,000 चौपाइयां, छत से भी ज्यादा ग्रंथ लिख दिया। क्या उनको पूरी पहचान कब हुई, जब राज जी ने चाहा तब पहचान हुई। तो कहने का से क्या है, ये परमधाम की वाणी आई है हमें झकझोरने के लिए। परमधाम, अभी मैंने उस बात को कहा था, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अनंत काल से प्रेम के सागर में डूबने पर भी राज्य की पहचान पूरी नहीं हो सकी थी। अब हमारे पास इल्म भी है और इसका कार रास्ता भी बता दिया है। राज्य मेहर का सागर लेकर बैठे हैं, बैठे मासूक इत जाहिर, और हमारे लिए एक चुनौती दी गई है। परम धाम में इश्क था तो इल्म नहीं था, अब इल्म है लेकिन इश्क नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मेरे इल्म से ईमान लो, ईमान से समर्पण लो, विरह लो, अपने अस्तित्व को मिटा दो तो यहीं बैठे बैठे इश्क भी मिल जाएगा। मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क, मेरी पहचान करके ज्ञान दृष्टि से अपना हृदय मुझे दे दो, मेरे लिए कुछ पल तड़प के दिखा दो तो मैं अपने इश्क का द्वार खोल दूंगा। तुम्हारे हृदय में तो बैठा ही हूं, मैं पहचान वो दे दूंगा जो परम धाम में नहीं दिया था, रास में नहीं दिया था, ब्रज में नहीं दिया था, देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में नहीं दिया था। इसलिए हमारा एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कितनी बात ऊंची कही जा रही है आगे। रात दिन तेरे राज का, अब हमें क्या करना है, दिन रात राज्य का। सुत कात सवा सिर, राज्य कहते हैं एक सिर सुत कातना है तो हमें सवा सिर सुत कातने का संकल्प लेना है। सुत कातने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप तकला खरीद लीजिए और सवा सिर सुत काट कर कहिए कि अब तो हमें परम धाम में
आंखें ऊंची करके राज्य की बात करनी है। प्रेम का सूत कातना है, प्रेम का सूत काता जाएगा। अभी मैंने कहा था, यदि हमारे पास श्रद्धा की रुई नहीं हुई, समर्पण का आद्वान नहीं हुआ, ज्ञान और ईमान का तकला नहीं हुआ, तो समर्पण तो प्रेम का सूत कहां से काता जाएगा। इसलिए जिसने ईमान ले लिया, अटूट विश्वास ले लिया, हमारा राज्य पर पूरा ईमान है नहीं। गुजरात में परंपरा क्या है कि घर में सेवा पूजा रहेगी और बाहर गणेश और लक्ष्मी का भी कुछ न कुछ रहेगा कि ये रूठने ना पाए। सुंदर साथ उत्तर भारत में भी करते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा कर लेंगे और तो परंपरा है। हाँ, मुझे एक प्रसंग याद आया है। आज पूर्वोत्तर भारत में एक विशेष परंपरा चल गई है कि शादी विवाह जो भी होते हैं सब में देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। सुंदर साहब जी, एक बात याद रखिए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। एक परंपरा चल गई है कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ यानी जो रतनपुरी आश्रम से जुड़े हुए सुंदर साथ हैं, ये मुसलमान हैं क्योंकि ये कुरान की बातें करते हैं। और ये वो लोग कहते हैं जो भागवत विशेष करके पढ़ते हैं, उनको अहंकार होता है कि हिंदू हम हैं। लेकिन आप उनसे पूछा जाए तो संस्कृत के सबसे अधिक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है, तो रतनपुरी और सरसवा का नाम आएगा। पुराण संहिता की टीका किसने की, महेश्वर तंत्रम की टीका किसने की, विद्योदमनी की टीका किसने की, निगमार्थ देविका की टीका किसने की। और अभी भी देखा जाए तो राज्य की कृपा से ज्ञानपीठ में ही संस्कृत के सबसे बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे वेद के, दर्शन के, व्याकरण के, सारे विद्वान तो हमारे पास है। और हमको कहा जाता है कि मुसलमान है। ये वो लोग कहते हैं जो नवग्रहों की पूजा करते हैं। पूछा जाए नवग्रहों की पूजा क्यों, आप यहां सुंदर साथ बैठे हैं, आपके शरीर पर एक कुंतल का बोझ रख दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा। 10 किलो भी का एक बैग दे दिया जाए तो कहेंगे कि हाथ में दर्द हो रहा है, रखिए। आपको बकाया जाता है हिंदू समाज को कि देखिए आपके ऊपर राहु केतु चढ़ गया है। अरे राहु केतु तो कोई ग्रह उपग्रह है ही नहीं, शनि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वो आपके ऊपर कहां से चढ़ जाएगा बेचारा। तो ये नवग्रहों की पूजा ढोंग है ही नहीं। अब नवग्रहों की पूजा कराई जाती है शादी विवाह में, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हुआ। जो वैदिक कर्मकांड है वो केवल आर्य समाज के लोग करते हैं, पौराणिक लोग, सनातनी लोग नहीं करते हैं। वो तो गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो भारतीय संस्कृत में पति पत्नी की पूजा का विधान है, सीता के साथ राम की पूजा होगी, लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा होगी, तो गौरी के साथ तो शिव की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी की पूजा क्यों होगी, ये भी कोई उत्तर नहीं है उनके पास। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये दो राशियां दो बिंदुओं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको कहा जाता है कि ये राहु है और केतु है, ये नवग्रह है ही नहीं। चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है तो इसको ग्रह कहते हैं, सूर्य को ग्रह कहते हैं, यह तो नक्षत्र है। इन ज्योतिषियों को तो नवग्रहों का भी ज्ञान नहीं है, और जहां भी पूजन करेंगे नवग्रहों को बैठाएंगे, ये इसकी पूजा इसकी पूजा, ये सब आडंबर है। पतिव्रता पढ़े से भी न थाइए वेश्या नेचे, एक मेली ने अनेक कीजे तेड़ी थाए धड़े वटके। राज्य का प्रेम आपको कब मिलेगा। एक सावित्री अपने सतीत्व के तेज से मृत को ढकेल देती है। आप जानते हैं अनुसुईया ने कह दिया कि यदि मेरा हृदय सच्चा है तो ये तीनों देवता 2 साल के 6 माह के बालक बन जाए, और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को बालक बना देती है अनुसुईया अपने सतीत्व के बल पर। ये पवित्र प्रेम की देन है। और आप किसकी ब्रह्मांगना है, अक्षरातीत की। अक्षरातीत की ब्रह्मांगना इस संसार में शालिग्राम और शिवलिंग और नवग्रहों की पूजा करने के लिए नहीं आई है। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो रतनपुरी में आए थे
तो वो कमरे में छिपकर काली माता की भी पूजा कर रहे थे। उनका एक गादी स्थान है गुजरात में, बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। तो आप सोचिए, जब समाज के शीर्षस्थ लोग काली की पूजा करेंगे, शालिग्राम की पूजा करेंगे, तो पतन नहीं होगा तो क्या होगा। सीता को मरना स्वीकार है, लेकिन राम को छोड़कर रावण को प्रीतम बनाना स्वीकार नहीं है। सावित्री से पूछिए, पार्वती से पूछिए, जिसका वरण किया उसके लिए जीवन सर्वस्व है। हमको सिखाया जाता है कि राज्य तो आत्मा के लिए, शरीर के सुख के लिए देवी देवताओं का पूजन कर लो, ये सबसे बड़ा पाप है। कोई काम खुदा से ना हो, ऐसा ना कोई कोई एक बात ऐसी बका मैंने जो हक से भी ना हो। हमारे सारे अपराधों को क्षमा है। हम झूठ बोलते हैं, क्षमा हो जाएगा। चोरी करते हैं, ये भी क्षमा हो जाएगा। लेकिन राज्य को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करते हैं, वो क्षमा नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी कर्मकांड कीजिए, शादी पूजा कीजिए, शादी में विवाह कीजिए, कोई भी त्यौहार हो कि पूजन केवल कीजिए, राज्य का पूजन कीजिए, अपने आराध्य का पूजन कीजिए। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। वेदों की व्याख्या का ग्रंथ है सत्वत ब्राह्मण, उसमें क्या कहा है, ने यो अन्याम देवताम उपासते सा न वेद यथा पशुपी एव देवाना। जो एक सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है, वो देवताओं में, विद्वानों के बीच में पशु के समान है। संसार के ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं, और आपको ये पट्टी पढ़ा दी जाती है कि इनको भी खुश किए रखना है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है। अब देखिए वाणी क्या कहती है कि ये सुनहला उस भोरी भूल न तू महामत, ऐसा पीव का समय है पा। इस प्रकरण की पहली छपाई इससे शुरू होती है। अय भोले इंद्रावती, तू भूल नहीं करना, तुझे सुनहला अवसर मिला है कि जागने के ब्रह्मांड में तू अक्षरातीत की पहचान कर। अब आप सोचिए आगे की चौपाई क्या कर रही है, कितनी महत्वपूर्ण है। नेह कर तू नैनों से, चश्मे से कथाएं पढ़ी। नेह कर तू नैनों से, नेह कर तू नैनों से और चश्मे से कथा। आप इसकी गहराई में जाइए, क्या करना है हमको, नेत्रों से प्रेम करना है और चश्मे से सूत काटना है। चश्मा जानते हैं किसको कहते हैं, ये शुद्ध शब्द है चश्मक। चश्मक किसको कहते हैं, नेत्रों के किनारे का भाग। चश्मा, यदि चश्मक शब्द नहीं है, चश्मा भी माने तो चश्मा का अर्थ क्या होता है, पानी का स्रोत। पानी आंखों से जो जल के मोती, जिसको झरना कह सकते हैं अलंकारिक भाषा में, ये आंखें एक पर्वत है, तो झरना क्या है, विरह के आंसू। प्रेम का सूत कब आएगा, काटा जाएगा जब आपके नेत्रों के किनारे से प्रेम के मोती गिरा करेंगे, विरह के आंसू ढुलक के ढुलका करेंगे। ये जब विरह के आंसू ढुलकते हैं तो जिंदगी रहने का एक संकेत देते हैं, अन्यथा विरह की अग्नि तो ऐसी है कि जीवन लीला समाप्त कर देते। नेह कर तू नैनों से, मैं पूछूं कि प्रेम कहाँ रहता है, आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे कि दिल में। क्या प्रमाण है कि दिल में प्रेम है कि नहीं, नेत्र बताते हैं, शब्दों से पता नहीं चलता। कई लोग इतने कलाकार होते कि हृदय में बहुत घृणा भरी रहेगी, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनके अंदर घृणा है, आपको लगेगा कि बहुत प्रेम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे अक्खड़ बोलते हैं, उनके हृदय में प्रेम रहेगा लेकिन उनके शब्दों से लगेगा कि डंडा मार रहे हैं। इसलिए शब्दों से पहचान नहीं हो सकती, आंखें बता देती है। आंखें हृदय के भावों को व्यक्त करती हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी झूठ बोल रहा हो, झूठी कसमें खा रहा हो, उसकी आंखों की तरफ दृष्टि कीजिए, अपने मन को रोक दीजिए, वो मन में क्या सोच रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप सोचिए वाणी क्या कह रही है, नेह कर तू नैनों से, चश्मे से कथा है। ए मेरी आत्मा, तू अपने नेत्रों से प्राणेश्वर से प्रेम कर, क्यों कहा गया है। इस संसार में आने के बाद हमें क्या करना है, अपना हृदय अपने आराध्य को देना है जो हमारा सर्वस्व है। पहचान
करने मुतलक जो हक्की गैर खिलवत। वाणी आई है किसकी पहचान देने के लिए, अक्षर अतीत की। सभी मानते तो हैं कि ब्रज रास और जागनी की तीन लीला के तीन ब्रह्मांड हैं और जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत दो तनों में लीला करेंगे। अब राज्य गाय नहीं चराएंगे, बांसुरी नहीं बजाएंगे, रामते नहीं करेंगे, ज्ञान से अपनी पहचान देंगे जिसके लिए खेल बना है। जागनी के ब्रह्मांड पर ही तो मुद्दा है। परम धाम में जिस आनंद की लीला होती है उस आनंद को यदि सागर माना जाए तो सागर की एक बूंद मात्र ब्रज लीला में आई, उसका कुछ ज्यादा अंश रास में आया। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में यदि हमने अक्षरातीत की ज्ञान दृष्टि पहचान कर ली, अपना हृदय उनको सौंप दिया, तो ब्रज का भी आनंद, रास का भी आनंद, परम धाम का भी आनंद हम जागने के ब्रह्मांड में ले लेंगे और वो भी पहचान के साथ। जो पहचान हमें ब्रज में नहीं मिली थी, परम धाम में नहीं मिली थी, देवचंद जी के तन से आड़िका लीलाओं को देखने के बाद भी नहीं मिली थी। आप सोचिए, सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी दीवाल पर उंगली खींच देते हैं तो यमुना जी का जल प्रकट होता है। जब वो चर्चा करते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, रास की रामते दिखने लगती हैं, घुघरू की आवाजें आने लगती हैं, जो और इस तरह की जब रास की वाणी का अवतरण हो रहा था तब वजीर की पत्नियों ने भी वो मधुर ध्वनि सुना था, रामतों की मधुर आवाज को। आप सोच सकते हैं इन लीलाओं से राज्य ने केवल सांकेतिक पहचान दी, वाणी का एक एक शब्द हम पुकार रहा है किसके रूप में, अक्षरातीत की ध्वनि के रूप में। यह कौन कर रहा है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ध्रुवो मेरे तुम्हारा आशिक मैं इश्क सदा तुम्हें चाहूं, यह कौन कर रहा है, स्वयं अक्षरातीत। अक्षरातीत ही तो पहचान दे रहे हैं कि तुम रूहे मेरे तन हो। परमधाम की ब्रह्मवाणी अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान देने के लिए आई है और इसलिए पहचान के लिए शुष्क हृदय नहीं चाहिए। शुष्क हृदय कितना भी पढ़ लेगा राज्य की पहचान नहीं करेगा। हमें इस जागने के ब्रह्मांड में अपना दिल राज्य को सौंपना पड़ेगा। मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पढ़ोतर जो मैं पूछत हूं तुझ। देखिए दुनिया बहुत चतुर है, मुझे तो संसारिक जीवन का अनुभव नहीं है लेकिन दूसरे के मुख से सुना है कि आजकल के नई पीढ़ी जब किसी को लड़का लड़की में घनिष्ठता होती है तो कहती है कि यदि तुम कहोगी तो मैं आकाश से तारे तोड़ कर ला दूंगा। बेचारा तारे के पास पहुंचे गए नहीं लेकिन बहकाने के लिए क्या कहेगा, मैं तारे तोड़कर भी ला सकता हूं। सब झूठ बोल रहे हैं, वो दिल नहीं दिया है। हम सुंदर साथ भी तो ऐसे ही करते हैं, क्या हमने राज्य को दिल दिया है? हमारे दिल के कोने में राज्य से ज्यादा लगाव अपने सांसारिक रिश्तों के लिए होता है और इस कट सत्य को सभी जानते हैं, कोई कहेगा नहीं। राज्य से इतना हमारा संबंध है कि पांच चौपाई पढ़ लेना, आरती पूजा कर देना ताकि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे। हमने कितना मीठा सा घर बनाया है, कितने अच्छे कमरे बनाए हैं, कितने अच्छे बेटे बेटियां हैं, कितनी मधुर बोलने वाली पत्नी है, भला इनको छोड़कर राज्य के पास क्या रखा है। एक मुसलमानों ने भजन बना, एक कोई गीत बनाया था कि अल्लाह के अर्श में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ है वो तो मोहम्मद के पास है। अब उन बेचारों को पता तो है नहीं कि मोहम्मद कौन है या अल्लाह कौन है, उनको वहदत का पता ही नहीं, तो वहदत उनको लोग तुच्छ लगता है। उनकी मान्यता है कि मोहम्मद साहब से तो सब मिल जाएगा। भजन वो कवाली बनाई है ना, भर दे धोली मेरी या मोहम्मद, लौट के जाऊँ मैं निकाल। उनको अल्लाह से नहीं लेना देना, उनको सांसारिक कामनाएं लगती है। ख्वाजा की दरगाह पर लोग क्यों जाते हैं, मन्नते मानने के लिए। अनंत आनंद का सागर आया बैठा है, सुंदर साथ भी कम क्यों है। अब देखते हैं भाई जुराज जी में जाते हैं, सुंदर साथ कोई साड़ी चढ़ाएगा, कोई कुछ चढ़ाएगा, क्या मांगेंगे, कोई संतान मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा। कोई भाई जुराज जी से ये प्रार्थना नहीं करता कि भाई जुराज जी हमारी चितवनी लगा दीजिए।
श्री जी के पास जाएंगे, पुजारी जी को नारियल दे देंगे, कहेंगे कि पुजारी जी सिफारिश कर दीजिए, हमारी दुकान बढ़िया चल जाए। पुजारी जी भी कोई नोट दे देंगे कि इसको अपने खजाने में रख देना। माया मांग रहे, कोई ये मांगता है कि राज्य हमसे माया छुड़ा दो? माया छोड़ने के लिए कोई नहीं मांगता, हर कोई राज्य से माया मांगने आया है। राज्य आए हैं माया छुड़ाने के लिए, परमधाम की वाणी लेकर आए हैं आपको माया से अलग करके परमधाम दिखाने के लिए। हम राज्य के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि राज्य आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो माया दे दीजिए। राज्य हंसते हैं, क्या दें, बार बार कहा ये माया तो दुख निधान जी, धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होते हैं सो माया करते भाई जी। हमको राज्य से प्रेम ही नहीं है। हम वाणी पढ़कर भी, तीन पीढ़ी से सुंदर साथ कहला करके भी राज्य से माया ही मांगते हैं, राज्य से राज्य को नहीं मांगते। अभी शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आने वाला है, ये तो जो गुमट जी में महामती जी के धाम हृदय में बैठा हुआ अक्षरतीत है, वो जानता है सबकी भावनाओं को कि ये हजारों जो सुंदर साथ आए हैं कौन कौन मेरे लिए आए। कोई अपना दुखों का पहाड़ लेकर के वो जाएगा कि श्री जी कृपा कर दीजिए, दुख सारे मिट जाए, हमारी दुकान इतने साल से नहीं चल रही है, चलनी शुरू हो जाए, हमारे पोते का मुख हम देख लें, हमारी चार गाड़ियाँ हो जाए, मिल तो जाएगा। लेकिन राज्य नहीं मिल पाएंगे, किसी को प्रेम नहीं है राज्य से। ने कर तू नैनों से चश्मे सिकता है, प्रेम का सुत कब कटेगा, जब उनकी याद आते ही आंखों से विरह के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं को कोई दूसरा न जान पाए। आप संसार को मत दिखाइए उछल उछल कर कूद कूद कर कि हम राज्य के प्रेम में मग्न हो गए, ये प्रेम नहीं है, ये तो प्रदर्शन है। आजकल एक धारणा बन गई है कि जो उछलता है कूदता है नाचता है वो क्या है, राज्य को रिझाता है। ये रिझाना नहीं हुआ, ऐसे तो वृंदावन वाले भी करते हैं, सारी प्रवाही कर लेते हैं। वाणी क्या करिए, ने कर तू नैनों से चश्मे से कता है। मीराबाई क्या कहती है, बसो मेरे नैनन में नंद ला, मेरे नेत्रों में बस जाओ। वाणी क्या कहती है, मेरी रो नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। अब देखते हैं ये मेरे नेत्र हैं, नेत्र में एक गोला है उसको कहते हैं पुतली, पुतली के अंदर फिर एक और गोला आएगा उसको कहते हैं तारा। मेरी रूह मेरी आत्मा नैन की पुतली, परात्म रूपी नैन की पुतली है, तीन पुतलियों के नयन, उस आत्मा रूपी पुतली का नेत्र क्या है, यह दिल। तीन नयनों में राखू मासूक को, मैं उसमें बसा लूंगा, जो मेरे रूप पावे सुख चैन, जिसे मेरी आत्मा को चैन मिले आराम मिले। सारा ब्रह्मांड किसी के अधीन कर दिया जाए, इस संसार में जितने हीरे मोती हैं, सारे पृथ्वी तो क्या, इस सृष्टि में जितनी करोड़ों गैलेक्सियां हैं, करोड़ों गैलेक्सियों में जितनी अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, स्वर्ग है बैकुंठ है, सबका राज भी दे दिया जाए तो क्या है, सब सपना है। और उस सपने के संसार में आप पृथ्वी पर राज्य को पाकर छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। जब मैं सुंदर साथ कहते हैं कि क्या करें, बिना इसके काम नहीं चलता, आप कुछ दिन तो धैर्य रखिए। देखिए इस संसार का पति होता है अपनी पत्नी के लिए कोल्लू के बैल की तरह काम करता है, धूप शीत वर्षा सब कर सकता है। यदि संसार का पति इतना करता है तो जो आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत कहता है, मैं लिखा है तुमको एक बार करूं मेरे साथ, दस बार जी जी करूं कर कर तुमको आते, लेकिन आपको विश्वास तो नहीं है, न राज्य पर विश्वास है न उनके वचनों पर विश्वास है, नहीं तो आप माया की चीजें क्यों मांगते हैं। यदि कहा जाए कि राज्य के इस मिशन के लिए सेवा कीजिए तो बहुत कम सेवा आएगी, लेकिन कह दीजिए कि पाठ
रखने हैं, इतने पार्ट रखने हैं, तो सब लोग खुशी खुशी दे देते हैं। वो क्यों देते हैं कि उस पार्ट के साथ एक मन्नत भी लगा देते हैं कि हम 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो ये मन्नत है राज जी, हमारा ये काम पूरा कर देना। वो सोचते हैं कि 10,000 ही तो देना है, यदि मन्नत स्वीकार हो गई तो करोड़ों का लाभ हो जाएगा। तो ये व्यापार, सवेरे भी मैंने कहा था, हम सुंदर साथ एक विशुद्ध व्यापारी हैं, प्रेम के राही नहीं है। सूत कातना है, चश्मे से कता है, आपके नेत्रों के कोनों से प्रेम की विरह के अश्रु धारा बहे। तो आप समझिए अब आप सूत कातने के योग्य बन गए। आओ आंखें कर पाए, आओ आंखें कर पाए, आओ आंखें कर पाए। आप सोचिए यदि आप राज्य का ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं, आपको पता नहीं आपके नेत्रों के कोनों से विरह का झरना प्रवाहित हो रहा है, तभी आपकी अंतर्दृष्टि खुले सके, तभी जागने के पथ पर आप चल पड़ेंगे। क्या कहा है राज्य ने, जागने की परिभाषा क्या दी है, जो सो रहा है उठ करके बैठ जाए, जो बैठा है खड़ा हो जाए, जो खड़ा है वो चल पड़े। अंतर्दृष्टि आपकी कब खुलेगी, भौं वृक्टि पल पापर मुस्कत निलवट केस, जब आपको राज्य की भौहें दिखने लगे, आंखों की पलकें दिखने लगे, घुघराले बाल दिखने लगे, माथा दिखने लगे, इनविद हक मुख निरखिए तब खुले अंतर के पट। अंतर के पट खुलेंगे, अंतः चक्षु खुलेंगे, और ये कब होगा, नेह कर नैनों से और चश्मे से कता है। लेकिन हृदय में जब प्रेम हो तो प्रेम कब आएगा, जब वाणी के ज्ञान से राज्य की अपहचान करेंगे। 5,000 की जमात में सभी थे, लीला भी देख रहे हैं। क्या कहा है, बुरा चाहे दिन का जिन दिखाया मूल वतन, मिनो मिने गुज करें निस्तिन करे चितवन, बुरा चाहे दिन का जिनो दिखाया धाम वतन। श्री जी के साथ रह रहे हैं, 5,000 की जमात है, कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण। देखते हैं कि प्राणनाथ जी ने तो आज ये गलती कर दी, प्राणनाथ जी ने ये गलती कर दी, क्योंकि जीव सृष्टि की अंतर्दृष्टि नहीं खुली है, वो राज्य से प्रेम नहीं कर रही है, वो महामती जी के केवल अवगुणों को देख रही है, तो परिणाम क्या होगा, साथ साथ रहने पर भी लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन जिन्होंने पहचान किया, आप देखिए बिहारी जी महाराज के अंदर परम धाम की भी आत्मा है, गांगजी भाई का जो बेटा है श्याम जी, वो तो जीव सृष्टि का है, लेकिन श्याम जी में और बिहारी जी में बहुत गहरी दोस्ती है। वैसे ही जैसे एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, दोनों में दोस्ती है। लेकिन बिहारी जी के पास ज्ञान नहीं है, न श्याम जी के पास ज्ञान, न ईमान है, न प्रेम है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। आप की उम्र कितनी भी हो गई हो, लेकिन यदि आपके जीवन का एक एक पल राज्य के प्रेम में नहीं डूबा है, अपना हृदय देना आपने नहीं सीखा, राज्य ने अपना हृदय पहले ही दे दिया है। मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ूतर जो मैं पूछा तू तुझ। मासूक श्री राज्य ने अपना दिल दे दिया, करी सो दिल दे कुछ, हमने दिल नहीं देना सीखा है नहीं, हम चतुर हैं चलाक हैं। राज्य ने हमें जगाने के लिए अपने एक एक अंगों का वर्णन किया, श्यामा जी के नख से सिख तक श्रृंगार का वर्णन किया, हमने उनके एक एक अंगों का वर्णन पढ़ लिया, खुले हृदय हृदय कमल का वर्णन पढ़ लिया, चरण कमल का, मुखारविंद का, सब कुछ पढ़ लिया, आठों सागरों का भेद पढ़ लिया, इतना होने पर भी हमने राज्य को अपना दिल नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया। हम कह देते हैं कि जो राज्य चाहेंगे होगा, ऐसा नहीं है, यह ठीक है कि जो राज्य चाहेंगे वो तो होगा ही, लेकिन हम
अपने मन की बात को छिपाने के लिए एक बहाना ढूंढ लेते हैं, जैसे हुक्म का बहाना। किसी को कहिए कि आ जाओ तो क्या कहेगा, राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे। हुक्म को दोष दे करके सुंदर साथ बहाना बनाते हैं। लेकिन कहीं कहा जाए कि यहाँ आपको माया मिल रही हो, कहा जाए कि मत जाओ, तो करे कि नहीं वहाँ जाना बहुत जरूरी है। जहाँ स्वार्थ दिखता है हुक्म तुरंत हो जाता है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहाँ हुक्म की चादर ओढ़ ले ली जाती है। हुक्म नहीं होगा है इसलिए हम नहीं आ पा रहे। तो आप के पास अंतर्दृष्टि कहाँ से आ गई कि हुक्म का बहाना कर रहे हैं। इसलिए ये जो प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी का ज्ञान हमें कितना भी हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान कितना भी हो जाए, जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब धुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धन के, तो भी लेना न तिनको मान। इसके पहले की चौपाई में क्या कहा है, काम क्रोध अंग के विकार सारे अंग, सो बिना बिरहा ना जले हुए नहीं दिल पा। हमारे अंदर काम क्रोध की अग्नि जल रही है, हमारे अंदर विकार हैं, लेकिन ये सब मिटेंगे कब, जब विरह की ज्वाला धधकेगी। विरह की अग्नि में काम क्रोध अहंकार का लय होगा। और यदि हम सारे संसार को, इसमें 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, यदि 7 अरब जनसंख्या को अकेले तारतम देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी वाणी करिए कि तो भी लेना न तीन गुमा। अपने ऊपर मत लेना कि मैंने सारे ब्रह्मांड को तारतम दे दिया, सब कुछ राज्य को सौंपिए। क्योंकि लेकिन जो आप अपना हृदय देंगे तब तो ऐसी सोच होगी। 4 विद्वान बैठा दीजिए, कहे कि उसको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। चारों पीठ पीछे 3 से 3 की बुराई करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे। सुंदर साथ भी ऐसे ही करता है। सभी क्या सोचते हैं, कोई धन की सेवा करता है तो सोचता है कि मेरा धन है, कोई ज्ञान की सेवा करता है सोचता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है। आपके पास तो कुछ नहीं है, आप आए थे कैसे आए थे आपको पता है, आपका जन्म भी हुआ तो आप नंगे पैदा हुए थे, मरने के बाद भी क्या किया जाएगा, आपके साथ तो कुछ नहीं है। आपका ये रूप नष्ट हो जाएगा, आपका धन नष्ट हो जाएगा, 1 रुपया भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। जितना ईमान है जितना इश्क है वही तो आपकी संपत्ति है, लेकिन किसी को समझ में आती है नहीं। लड़ाई किसकी है, केवल अहंकार की लड़ाई है, इसी अहंकार ने संसार खड़ा कर रखा है। और यदि हमारे नेत्रों से विरह के जब झरने बहने लगेंगे तो समझ लीजिए अब हमारी जागने का पथ स्वर्णिम बन गया है, अब हमारी आत्मा उस पथ पर गमन करना प्रारंभ कर दी। मैं समय से 2 मिनट ज्यादा बोल गया, अब चुपाई दूर। नेह कर तू नैनो से और चश्मे से कताए, मिहि सुतले उजला आओ आंख कर पाए, आओ आंखें कर पाए। बोले श्री प्राणनाथ।